नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। सर्पदंश से युवक की हुई मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। बांदा शहर के कोतवाली क्षेत्र के गच्छा गांव निवासी रामचरण उर्फ सेवालाल पुत्र भौवा पाल उम्र 25 वर्ष रात लघु संख्या के लिए घर से बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे सर्प ने डस लिया और चीखता हुआ कमरे में अंदर जा पहुंचा और शोर शराबा सुनकर परिवार के सदस्यों की नींद खुल गई। झाड़ फूंक के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक दो भाई और एक बहन में दूसरे नंबर का था। 6 माह पहले उसके बहन की डिलीवरी के दौरान मौत हो चुकी है। मृतक के विवाह के 6 साल हो चुके थे। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर तिवारी है जी। भैया, कहाँ रहते हैं आप? हम लोग ग्राम पोस्ट गंछा और थाना कुतवाली नगर बांदा तहसील बांदा में रहते हैं जी। मृतक कौन है आपका, क्या नाम है? मेरा मृतक बहुत खास मित्र है। मृतक का नाम सेवालाल वैसे गाँव में चलता, उसके डॉक्यूमेंट में रामशरण पाल है। उसके पिताजी का नाम भौवा पाल है जी। कितनी उम्र थी इसकी? लगभग इसकी 25 साल उम्र थी। किस प्रकार की इनकी मृत्यु हुई है? सर्प ने रात को 12 बजे जैसे ये अपने बेड से नीचे उठा है बाथरूम के लिए, नीचे काला सर्प बैठा हुआ था, पैर रख गया तो 3 जगह उसने काटा है। जैसे उसने काटा है, उसने देखा है वहाँ पे साफी बांधी है। साफी बांधने के बाद तुरंत इन्हें ट्रामा सेंटर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रामा सेंटर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद इलाज इनका चला। इलाज चलने के बाद लगभग रात को 3 बजे ने कहा मुझे धुंधली सा दिखाई देता है। धुंधला सा दिखाई देने के बाद इन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर करने के बाद इनका इलाज चलता। शाम को 6 बजे तक बिल्कुल इनकी स्थिति बहुत अच्छी रही। शाम को 6:30 बजे के बाद इनकी स्थिति नाजुक होने लगी। हमने डॉक्टरों से कहा क्या हो रहा है, इलाज करिए। उन्होंने इलाज भरपूर प्रयास किया तो उन्होंने कहा हम दूसरी जगह दिखा दें। उन्होंने कहा स्वेच्छा से दिखा दीजिए। तो समथिंग 11 बजे के आसपास जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज से निकाले, इनकी मृत्यु हो गई है। 3 साल का नाम मुझे पता नहीं, नाम क्या, 3 साल का बेटा है, शुभम पाल नाम है जी। मृतक क्या काम करता था? मृतक कुछ नहीं, ऐसे खेती बाड़ी का अपने पिताजी के साथ में हाथ बटवाता था और जो मजदूरी में काम कर लेता था कभी केला वगैरह में जी। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।